हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ आंवले के अचार की रेसिपी शेयर करूंगी और बहुत ही आसानी से अचार बनकर तैयार होने वाला है। बिल्कुल कम सामान में अब इसको धुलने के बाद सुखा लेते हैं ताकि इसमें एक भी मॉइस्चर ना हो। यदि आंवला गीला होगा तो अचार जल्दी ख़राब हो जाएगा। कढ़ाई में 2 से 3 टेबल स्पून सरसों तेल लेंगे। सरसों तेल डालते हैं अचार में तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अक्सर आपने देखा होगा जो भी अचार बनाते हैं तो सरसों तेल का यूज़ करते हैं। और इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे लगभग 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 1 kg जैसे हमने यहाँ पे आंवला लिया है तो 10 मिनट में पक जाता है। थोड़ी देर में आप चेक भी कर सकते हैं, लगभग 5 से 6 मिनट में। तो हमने इसको खोलकर देखा, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नॉर्मल की हाथ से छूए तो वो दबने लगे हल्का। आंवला को निकाल लेते हैं और उसको ठंडा हो जाने देते हैं। ये जो कढ़ाई में सरसों तेल बचा है तो आप इसका सब्जी में यूज़ कर सकते हैं या अचार में ही यूज़ कर सकते हैं। तो जब आंवला ठंडा हो गया था तो इसके सारे बीज निकाल देते हैं। ये बहुत ही अच्छे से प्रॉपर शेप में निकल जाते हैं। एक्चुअली मुझे लेट हो गया था निकालने में, वो कुछ काम आ गया था तो इसके कारण से इसको रात भर रखे रहने दिए था, तो इस कारण ये निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए मैंने चाकू का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से इसके बीज निकल जाते हैं। सारे बीज निकाल लिए, इसको बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, नॉर्मल। अब यहाँ पर 2 टेबल स्पून जीरा और 1 टेबल स्पून मेथी ले लिया है। हल्का सा तवे में रोस्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है। ज़्यादा भून लेंगे तो इसमें कड़वापन आ जाएगा। 2 से 3 मिनट ही हल्का रोस्ट करना है और इसको तवे से निकाल लेते हैं। जब ये ठंडा हो गया था तो इसका फाइन पाउडर बना लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे तरीके से आंवले का अचार बनाएंगे तो सच में आपको बहुत पसंद आएगा और बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट से। तो इसका फाइन पाउडर बना लिया है। अब हम कढ़ाई में लगभग 1 कप मस्टर्ड ऑयल ले लेते हैं। मस्टर्ड ऑयल तेज होता है इसलिए हम इसको उबाल लेंगे लगभग 10 से 12 मिनट। गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो करके इसको पकाएंगे तो इसका जो कड़वापन है वो दूर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि सरसों का तेल तेज होता है, इसलिए हम इसको गर्म कर लिए हैं और गैस ऑफ कर दिए हैं। अब यहाँ पर राई ले ली है लगभग 6 से 7 टेबल स्पून। ये घर की पिसी राई थी तो इसको हमने छन्नी से छाना तो इसका फाइन पाउडर निकल आया है। तो यदि आपके पास घर की राई नहीं है तो मार्केट में आप अचार में डालने वाली राई पूछेंगे तो वो बहुत ही आसानी से मिल जाती है, तो वो थोड़ी खड़ी खड़ी रहती है। आप उसे थोड़ा सा दरदरा पीस लें मिक्सर जार से, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है। यदि थोड़ा सा पीस कर डालेंगे तो अचार में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 4 टेबल स्पून धनिया पाउडर ले लिया है, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर देने के लिए सारे मसाले इसमें ऐड कर देते हैं। और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग लगभग 4 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया। यहाँ पर मेथी और जीरा का पाउडर था वो भी इसमें हमने डाल दिया। अब आंवले के अचार को स्टोर करने के लिए आप प्लास्टिक या कांच की कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लंबे टाइम तक आपको अचार चलाना है जैसे कि साल भर, तो लंबे टाइम तक के लिए आप कांच के कंटेनर का यूज़ करें। उसमें अचार ज़्यादा दिन तक सेफ रहता है, ख़राब नहीं होता है। और जैसे कि आपको 1 महीने में ही अचार फिनिश करना है तो प्लास्टिक के कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने कंटेनर में ले लिया है और जब ये सरसों का तेल ठंडा हो गया था जिसे हमने गर्म किया था, जब वो ठंडा हो गया तो उसके बाद हम अचार में मिला देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। यदि आपको लग रहा है कि अचार में तेल कम है तो आप तेल को और उबाल लें और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तो मिक्स कर सकते हैं। तो अचार में सफिशेंट तेल होना चाहिए, तेल की क्वांटिटी कम होगी तो अचार ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप आगे भी वीडियो में बने रहें, सारी ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो आप जब भी आंवले के अचार में तेल मिक्स करें तो उबाल कर ही मिक्स करें। तो हमने 2 से 3 दिन बाद खोलकर देखा तो देखिए इसमें सफिशिएंट ऑयल है, इस तरीके से ऑयल होना चाहिए और इसमें नमक कम नहीं होना चाहिए। आप 2 से 3 दिन बाद टेस्ट करके देख सकते हैं, यदि नमक कम है तो आप डाल लें, क्योंकि आंवला का अचार तभी ख़राब होता है जब उसमें तेल कम होता है और नमक कम होता है तभी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा अचार बनकर तैयार हो गया है। तो मेन ट्रिक है कि आप जब इसको उबालने स्टीम में पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नॉर्मल पकाना है कि आप उसको छुएंगे तो वो हल्का दबे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ओके, बाय बाय।